एक चूहा था। वह एक घर की दीवार के बिल में रहता था। उसके बिल के पास ही एक बड़ा सा बैल रहता था। बैल जब सोता तो जोर जोर से खर्राटे लेता था। उसके खर्राटों की आवाज से चूहा बहुत परेशान रहता था। एक दिन बैल सो रहा था और जोर से खर्राटे ले रहा था। खर्राटे की आवाज से चूहा को बहुत गुस्सा आया। चूहे ने जाकर बैल की नाक के पास जोर से काटा। दर्द के कारण बैल की नींद खुल गई। बैल ने गुस्से में से इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर चूहे पर पड़ी। बैल चूहे को मारने के लिए दौड़ा, किंतु चूहा तुरंत अपने बिल में चला गया। यह देख बैल का गुस्सा और अधिक बढ़ गया। बैल ने चूहे से कहा, चूहे तूने मेरी नाक में काटा है, जब तक मैं तुम्हें दंड नहीं दे देता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चूहा बोला, अरे बैल तुम चाहे जो कर लो, मुझे नहीं मार सकते। मैं जिस बिल में रहता हूँ उसकी दीवार बहुत मजबूत है और तुम्हें ही चोट लगेगी, हर जगह तुम्हारी ताकत नहीं चल सकती। चूहे की ये बात सुनकर बैल गुस्से में आग बबूला हो गया। बैल ने मन बना लिया कि वह चूहे को इसका दंड अवश्य देगा, क्योंकि चूहे जैसे छोटे से प्राणी ने उसे परेशान किया। बैल चूहे के बिल के पास जोर जोर से सींग मारने लगा। दीवार तो नहीं टूटी बल्कि बैल के सर में ही दर्द होने लगा। धीरे धीरे बैल का गुस्सा शांत हो गया और उसे समझ में आया कि कोई भी प्राणी कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे परेशान नहीं करना चाहिए और हर जगह ताकत से काम नहीं होता। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्राणी को बिना कारण परेशान नहीं करना चाहिए।